पिता एक ऐसा शब्द जिसके बिना किसी के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, एक ऐसा पवित्र रिश्ता जिसकी तुलना किसी और रिश्ते से नहीं हो सकती। बचपन में जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो सबसे पहले अपने पिता की उंगली थामता है। बचपन में चॉकलेट खिलौने दिलाने से लेके युवा वर्ग तक बाइक कार लैपटॉप और उच्च शिक्षा दिलाने व उसकी सभी मांगों को पूरी करने का काम पिता करता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चे पिता के लिए समय नहीं दे पाते। इसी को ध्यान में रखकर पितृ दिवस मनाने की परंपरा का आरंभ हुआ। फिलहाल पूरे विश्व में जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है। भारत में भी धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है। पितृ दिवस की शुरुआत 20वीं सदी के प्रारंभ में पिता धर्म तथा पुरुषों द्वारा परवरिश का सम्मान करने के रूप में सोनेरा डोड ने किया। सोनेरा डोड जब नन्ही सी थी तभी उनकी मां का देहांत हो गया। पिता विलियम स्मार्ट ने सोनेरा के जीवन में मां की कमी महसूस नहीं होने दी और उसे मां का प्यार दिया। एक दिन यूं ही सोनेरा ने सोचा कि आखिर एक दिन पिता के नाम क्यों नहीं हो सकता। पहला पितृ दिवस 19 जून 1910 को सोनेरा स्मार्ट डोड ने शुरू किया था। उन्होंने अपने पिता विलियम जैक्सन स्मार्ट की याद में पादरी से अपील की कि पिता के लिए भी एक दिन होना चाहिए। पहले वे पितृ दिवस अपने पिता के जन्मदिन वाले दिन यानी कि 5 जून को मनाना चाहती थी, लेकिन पादरी के पास समय नहीं था। फिर इसे 19 जून 2010 को मनाया गया और संयोग से उस दिन जून का तीसरा रविवार था। पितृ दिवस पिता के सम्मान में मनाया जाने वाला पर्व है जिसमें पितृत्व पितृत्व बंधन तथा समाज में पिताओं के प्रभाव को समारोह पूर्वक मनाया जाता है। 1924 में अमेरिकी राष्ट्रपति कैल्विन कोली ने फादर्स डे पर अपनी सहमति दी। फिर 1966 में राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाने की आधिकारिक घोषणा। 1972 में अमेरिका में फादर्स डे पर स्थायी अवकाश घोषित हुआ। आम धारणा के विपरीत वास्तव में फादर्स डे सबसे पहले पश्चिम वर्जीनिया के फेयरमोंट में 5 जुलाई को मनाया गया था। 6 दिसंबर 1907 को मोनोगाह पश्चिम वर्जीनिया में एक खान दुर्घटना में मारे गए 210 पिताओं को सम्मान देने के लिए इस विशेष दिवस का आयोजन ग्रेस गोल्डन क्लेटन ने किया था। उसे प्रथम फादर डे चर्च, जो कि आज भी सेंट्रल यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च के नाम से फेयरमेंट में मौजूद है, पर मनाया गया था। जर्मनी में इसकी परंपरा चर्च और यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से जुड़ी हुई है। यह हमेशा होली थर्सडे यानी पवित्र गुरुवार को ईस्टर के 40 दिन बाद मनाया जाता है। इस दिन जर्मनी में छुट्टी होती है और इसे पुरुष दिवस के तौर पर मनाया जाता है। पुरुष मित्र मिलकर इस दिन पूरा आनंद लेते हैं। भारत में यह जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। वैसे तो पितृ दिवस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग दिन और विभिन्न परंपराओं के कारण से मनाया जाता है, लेकिन विश्व के अधिकतर देशों में इसे जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। हिंदू परंपरा के मुताबिक पितृ दिवस भाद्रपद महीने की सर्व पितृ अमावस्या के दिन होता है। सुबह उठते ही अपने पिता को इस दिन बधाई दी जाती है, चरण स्पर्श किए जाते हैं और उपहार दिया जाता है। भारतीय समाज में माता पिता गुरु आदि को भगवान माना जाता है। हमारे ग्रंथों में भी ऐसा ही लिखा है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा असली भगवान हमारा पिता ही होता है, जिसके कारण हम इस दुनिया में आए हैं। पिता जिंदगी भर हमारे लिए कमाता है तो हमें भी चाहिए कि हम भी उसके सम्मान में कुछ करें, जैसे कि श्रवण कुमार ने किया था। संतान को पिता के प्रति हमेशा श्रद्धा और विनम्रता का भाव रखना चाहिए। चाहे कोई भी देश हो, संस्कृति हो, पिता का रिश्ता सबसे बड़ा माना गया है। भारत में तो इन्हें ईश्वर का रूप माना जाता है। यदि हम हिंदी कविता जगत की कविताएं देखें तो पिता के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा गया है। पिता, पापा, अब्बा, बाबा, बाऊजी, बाबूजी, डैडी आदि कितने ही नाम हैं इस रिश्ते के, पर भाव एक है, वो है प्यार का, समर्पण का।